नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूपी टेट 2017 की जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें मैंने सारे सेक्शंस को कवर करते हुए लगभग आधा कोर्स तो कंप्लीट कर ही दिया होगा। और कुछ चीजें हैं अभी, बहुत सी काफी चीजें हैं जो बची हुई हैं। मैं 30 सितंबर के पहले पहले आप लोगों के लिए वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। और 1 तारीख से 15 तारीख को आपका पेपर है, तो 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक मैं आप लोग का मॉक टेस्ट कराऊंगा। मतलब सारे सेक्शन से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे सेक्शंस का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया। और कल हमारी फैमिली में 10,000 मेंबर्स जुड़ गए हैं और ये अब 11,000 हो गए हैं मेंबर्स। तो हमें उम्मीद है कि यह मेंबर्स हमारे ज्यादा बढ़ेंगे, हमारी फैमिली और बड़ी बनेगी, हम आप पर भरोसा बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं। मैं हिंदी में आज आप लोगों के लिए जो पेडागॉजी सेक्शन होता है, शिक्षण शास्त्र शास्त्र होता है, उसमें से मैं आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। किस टाइप का प्रश्न आता है और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, मैं सारे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न देखिए, भाषा विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा के लिए क्या आवश्यक है? लिपि का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? अगर हमें अपनी लिपि नहीं मालूम है तो हम भाषा कैसे बोलेंगे? हर भाषा की अलग लिपि होती है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली गई एवं दी जाती है। भाषा एवं शिक्षा के मध्य संबंध नहीं है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम किससे सिखाते हैं? भाषा के माध्यम से ही सिखाते हैं। कोई भी बालक होता है, उसकी जो भाषा होती है वे उसको उसी भाषा में समझाते हैं, तब जाके वो उस बालक को क्या होता है, समझ में आता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा है विचारों का आदान प्रदान, ध्वनियों का प्रतीक, लिपिबद्ध विचार एवं अनुभव और वाक्यों का प्रकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान। हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, पारिवारिक की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसमें हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, भाषा सीखी जाती है सुनकर, बोलकर, पढ़कर या अनुकरण कर। तो क्या होता है इसमें? भाषा कैसे सीखी जा सकती है? अनुकरण करके। किसी भी चीज को सीखने के लिए उसका अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है या हुई है किससे हुई है? शिक्ष धातु से, भास धातु से, दिव्य धातु से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसे भाषा है तो भाषा कौन सी धातु का है? भास धातु का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है? तो हिंदी भाषा कौन सी संबंध किससे संबंधित है? तो देवनागरी से संबंधित है ना। फारसी, फारसी से फारसी, गुरमुखी से जो सिक्कों की भाषा होती है उससे गुरमुखी कहते हैं उनकी लिपि को। ठीक है, यानी जो पंजाबी होती है उसकी लिपि क्या कौन सी होती है? गुरमुखी होती है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौलिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी अपभ्रंश से, पाली प्रकृति से। तो किससे हुआ है? इसका जन्म पाली प्रकृति से हुआ है, बोलते हैं ना पाली भाषा। ठीक है, देवभाषा कौन सी है? तो यह सभी को पता है, देवभाषा संस्कृत है। ठीक है, देववाणी संस्कृत। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सांकेतिक, मौखिक, लिखित या उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले लोग भाषा के लिए क्या यूज किए? संकेत करना यूज किए। ठीक है, पुराने कालों में देखेंगे आप, चित्र बना रहता है गुफाओं में, अजंता गुफाओं में जाइए, वहां कई चित्र बने हैं सांकेतिक भाषा के। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न देखिए। संप्रेषण कहलाता है भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाना, भावों एवं विचारों को ग्रहण करना, भावों एवं विचारों का आदान प्रदान, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना संप्रेषण में, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। भाषा और विचारों में संबंध है, मानसिक, घनिष्ठ, आर्थिक या शारीरिक? तो बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि जब भाषा होती है, भाषा जब अपना विचार किससे प्रकट करते हैं? भाषा से प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। बालक की भाषा सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने में योगदान है, परिवार का, समाज का, विद्यालय का, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये तो सभी चीजें, जो तीनों चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या कराती हैं? बालक की भाषा का विकास कराती हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है भाषा, अभिलाषा, परिभाषा या त्रिभाषा? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? भाषा। ऐसे इसी प्रकार का एक पीछे प्रश्न हो गया, ठीक है, ये उसी से कुछ मिलता जुलता है। अगला प्रश्न देखिए। भाषा एवं परिवर्तन के कारण, भाषा में परिवर्तन का क्या कारण है? स्थान विशेष की जलवायु, कई पीढ़ियों का अंतर, भौगोलिक विभिन्नता या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे स्थान विशेष की जलवायु, जैसे जैसे जगह बदलती है भाषा बदलती चली जाती है। जैसे आप अभी हिंदी बोल रहे हैं, आप साउथ में चले जाएंगे वहां लोग तमिल बोलते हैं, अमेरिका में चले जाएंगे इंग्लिश बोलते हैं, तो स्थान पर फर्क पड़ता है भाषा का। भाषा किसका साधन है? अगला प्रश्न में देखिए। तो भाषा किसका साधन है? वाचन का, भाव व्यक्ति का, लेखन का, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? किसका साधन होता है? भावाभिव्यक्ति का, ठीक है, हम भाव अपना व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के लिए शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। ये कथन किसने कहा था? इस कथन को महात्मा गांधी ने कहा था ना। तो ये देखिए, महात्मा गांधी यहाँ पे ऑप्शन में है। भावों एवं संवेगों की भाषा है, तो भावों एवं संवेगों की भाषा क्या है? भावात्मक, ठीक है। भावों एवं संवेगों की भाषा कैसी होती है? भावात्मक होती है, जिसमें हम भाव अपना प्रकट करते हैं। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है, भाषा की शिक्षा में सुनने का अर्थ क्या होता है? ध्वनि संकेत का श्रवण, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, बोध पूर्वक श्रवण या ध्यान पूर्वक? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोध पूर्वक श्रवण। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है किसकी? सुनने की, पढ़ने की, बोलने की या लिखने की? तो सबसे ज्यादा मनुष्य क्या करता है? सुनता है। अगर मनुष्य शांत है तो भी वह क्या करेगा? सुनेगा। बोलने का क्या होता है? उसके बाद भी बोल सकता है, उसके बाद क्या करता है? लिख सकता है या पढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे कुछ प्रश्न, मैं अगला भाग जरूर लाऊंगा और जल्दी लेके आऊंगा, जिससे आपका हिंदी भाषा जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। और मैंने धीरे धीरे सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शंस को क्लियर किया है। और दोस्तों क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारी फैमिली से कुछ संपर्क में कुछ उन लोग की गड़बड़ी होती रहती है, तो उसके लिए कोई बात नहीं। और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।